नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका टाइम साइंस में। तो आज हम देख लेते हैं, आज 23 मई है और 23 मई का आज हम द हिंदू का न्यूज एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमारे सामने है, पीएम अनाउंसेस रुपए 1000 करोड़ एड फॉर बंगाल। आपको पता है कि बंगाल में सुपर साइक्लोन अम्फान ने बहुत ज़्यादा डिवेस्टेशन किया, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को कॉल किया था, उनसे अर्ज किया था कि वो आके अपने आँखों से सिचुएशन देखें। तो प्रधानमंत्री ने इस लॉकडाउन के समय, जब से देश में लॉकडाउन हुआ उससे दिल्ली से बाहर पहली यात्रा की, और पहली यात्रा में वो बंगाल और उड़ीसा गए। यहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री ने एरियल सर्वे किया, हवाई सर्वे किया, जिसमें कि इस हवाई सर्वे में उनके साथ थी बंगाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी, और उसके साथ थे वहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। तो प्रधानमंत्री ने एरियल सर्वे किया, इसके साथ प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए का सहायता राशि प्रदान की बंगाल को, और इसके साथ प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए हर परिवार को दिया जिसके घर से किसी ना किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और सीरियस रूप से घायल हुए लोगों को भी 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने ओडिशा के लिए भी 500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है, और राज्य सरकार पहले ही 1000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट कर चुकी थी। तो प्रधानमंत्री ने वहां जाकर सारा एरियल सर्वे किया, और प्रधानमंत्री दोनों जगह पे गए और जाके देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उड़ीसा को 500, उड़ीसा में कम नुकसान हुआ है तो उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए दिया है, जबकि ये देखिए उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए दिया है, जबकि बंगाल को प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। दूसरी न्यूज देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो 40 बीपीएस तक गिरा दी है। बीपीएस का मतलब बेसिस पॉइंट्स। तो पहले जो हमारी रेपो रेट थी 4.4% पे थी, अब वो 4% आ गई है। रेपो रेट का क्या मतलब है, आरबीआई जो उधार बैंकों को देते हैं उस पे आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो इंटरेस्ट की जो रेट होती है इसको बोलते हैं रेपो रेट। तो इसको 4% पर ला दिया है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट सारी चीजें निर्धारित करती है, तो इस कोविड-19 के लॉकडाउन के समय ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दूसरी बैठक थी। इसमें बहुत सारे मेजर्स लिए गए, जैसे कि जो वर्किंग कैपिटल है पर जो इंटरेस्ट था इसको टर्म लोन में बदल दिया गया, और 31 अगस्त तक जो इंटरेस्ट का था मोराटोरियम, वो भी लोन का मोराटोरियम जो 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया, मतलब स्थगित कर दिया गया। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये 6 सदस्यीय कमेटी होती है, इसमें ऑपरेशंस रिलेटेड कि बैंक की रेट क्या होगी, रिपो रेट्स क्या होगी, सारा कुछ ध्यान में रखकर ही ये रिपो रेट को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो 6 सदस्यों में 5 सदस्यों ने 40 बीपीएस करने का फैसला, 40 बीपीएस घटाने का फैसला किया था बेसिस पॉइंट्स की, जबकि एक व्यक्ति ने 25 बीपीएस को, रिपोर्ट में 25 बीपीएस कमी लाने का फैसला किया। इसी का इसके साथ ये जो हमारे जो ये आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास ने कहा कि जो ये सुधार हैं जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, जैसी जरूरत होगी जरूरत के हिसाब से ही रिफॉर्म्स किए जाएंगे। जैसा कि ये आपने लिखा हुआ है कि ये कह रहे हैं जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं कि बुरी तरीके से जो डिमांड है वो कोलैप्स हो गई है, और इस लॉकडाउन के समय बहुत कुछ ज़्यादा जो टॉप
मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, जहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, टॉप मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं वहां पर। लॉकडाउन रहा ये, जहाँ जो कि 60% तक देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कहा कि हाई फ्रिक्वेंसी जो इंडिकेशन पॉइंट्स है वो शो कर रहा है कि डिमांड में बहुत ज्यादा कमी आई है, बहुत बुरी तरीके से डिमांड जो है कोलैप्स कर गई है। आगे ये पाक प्लेन विद 98 ऑन बोर्ड क्रैशेस नियर कराची। जैसा कि कल खबर चल रही थी कि पाकिस्तान में एक सिविल एविएशन का, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान क्रैश कर गया है। ये कराची में मोहम्मद अली जिन्ना पोर्ट के पास लैंड करने वाला था और अचानक इसमें इंजन फेल कर गया। तो पायलट ने बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पायलट के प्रयास काम नहीं आए और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ये विमान क्रैश कर गया। और भारी संख्या में जितने लोग सवार थे इसमें, उसमें 2 से 3 लोग शायद घायल हैं, बाकी लगभग सभी लोगों की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपनी ट्वीट करके संवेदना जाहिर की। प्रधानमंत्री ने भी काफी दुख व्यक्त इस पे दुख व्यक्त किया। चलते आगे देखते हैं, हमारे देश में COVID-19 की संख्या लगातार बढ़ रही है अभी, और कल 6,510 नए केस रिकॉर्ड किए गए, जिसमें कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए गए 2,940 केसेस, और कल पूरे देश में 158 डेथ रिकॉर्ड्स की गई। तो अभी महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है, महाराष्ट्र में चीजें कवर नहीं हो रही हैं। ये दिल्ली के कीर्ति नगर में कल आग लगने से बहुत बुरा नुकसान हुआ है, तो उसकी ये बहुत ही खौफनाक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चलिए आगे चलते हैं, ये जो बम्बई हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र राज्य का जो हाई कोर्ट है, ये बम्बई हाई कोर्ट ने वहां की बीएमसी से, बम्बई की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार से बोला है कि आप जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनके लिए आप अलग से एक हेल्पलाइन नंबर शुरू कीजिए ताकि इनको दिक्कत नहीं आए। अभी बहुत सारी दिक्कत आ रही है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको भर्ती होने में, एडमिट होने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि अस्पताल एडमिट करने से पहले बहुत तरीके की जांच की मांग करते हैं, बोलते हैं अगर निगेटिव होगा तो ही वो एडमिट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए न्यू नेपाल मैप बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स। ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये फोटो है जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनके विदेश नीति के सलाहकार की ये फोटो है। और ये क्या, अभी आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बता दें, कॉन्टेक्स्ट ये कि नेपाल ने भी एक नया मैप जारी किया, और इस नए मैप ने, नया मैप जो है, जो बांग्ला, जो नेपाल का पुराना मैप था उससे अलग, इसमें कुछ भारतीय एरिया को, भारतीय टेरिटरी को अपना हिस्सा दिखाया गया है। कालू, जैसे कि काला पानी है, लिपु लेक है या लिम्पिया धुरा है, इसको नेपाल ने अपनी टेरिटरी में दिखाया है। तो भारत सरकार ने इस पे, विदेश मंत्रालय ने बहुत तेजी से एक्शन लिया और सिरे से खारिज कर दिया नेपाल का दावा। विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन ने कहा नहीं, ये आर्टिफिशियल मैप है और इसको किसी भी तरीके से कंसीडर नहीं किया जाएगा। जबकि नेपाल कह रहा है कि ये जो 1816 में अंग्रेज और नेपाल सरकार के बीच, नेपाल के राजा के बीच जो संधि हुई थी, इसका नाम है सुगौली की संधि, 1816 में हुई थी, तो उस पर आधारित है। तो भारत सरकार ने इसको पूरी तरीके से खारिज किया है और नेपाल की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये जो लिपु लेक या काला पानी का जो ये इशू है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय भी उठाया गया था,
और इसको मिलकर फिर दोनों तरीके से रिजॉल्व कर लिया गया था, लेकिन भारत सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, भारत सरकार इसको डिले कर रही है। हम लगातार मांग कर रहे हैं, विदेश सचिव के स्तर पर दो नोट भी भेज चुके हैं, लेकिन सरकार इसको डिले कर रही है। जैसा कि बता दें कि अभी तक जो मानसरोवर की यात्रा होती थी, कैलाश मानसरोवर की, वो सिक्किम के थ्रू होती थी, नाथुला दर्रे से होती होती थी, ठीक है। तो अभी 5 से 6 दिन का बहुत एक्सेस समय लगता था, अतिरिक्त समय लगता था। भारत सरकार ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और उत्तराखंड में लिपु लेक पास से एक नई सड़क का निर्माण किया। यह 80 किलोमीटर सड़क है और बहुत ही दुर्गम रास्ते से सड़क निकली है। सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको बनाने के लिए, क्योंकि टेरेन जो था बहुत दुष्कर था। सरकार ने जेसीबी, क्रेन वगैरह सब हवाई जहाज से ले जाके वहां के बहुत ही मुश्किल में सड़क का निर्माण किया है। अब उस पर नेपाल जो है अपनी आपत्ति जता रहा है, जिसको कि चाइना प्रोवोक कर रहा है नेपाल को, चाइना नेपाल के कहने पर भी काम कर रहा है। ये तो अपोजिशन ने एक स्टिमुलस पैकेज की और डिमांड की है। अभी प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन को एक्सटेंड किया था, लॉकडाउन 4 को, तब 20 लाख करोड़ के इकोनॉमी के रिवाइव का पैकेज घोषित किया था। अब इसको अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि एक और स्टिमुलस पैकेज दिया जाना चाहिए, जिसमें कि इस जो अपोजिशन से 22 पार्टियां शामिल हैं, इसमें मांग की जा रही है कि हर परिवार को 7500 रुपये माह फ्री राशन, और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाए, इनको घर भेजा जाए। तो ये विपक्ष मांग कर रहा है, देखो सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बैठक चल रही है विपक्ष की। आगे देखते हैं, ये देखिए, इनह्यूमन टू पुट डेड एंड इंजर्ड इन एक्सीडेंट इन सेम व्हीकल NHRC। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो लिया न्यूज और अखबार के माध्यम से। एक्चुअली हुआ कि औरैया में भी एक बहुत खतरनाक हादसा हुआ, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो आपस में घरों में जा रहे थे, और इससे ये ट्रक वाहनों की भीषण भिड़ंत हुई, इसमें 16 मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दर्दनाक मृत्यु हो गई। तो इसमें जो वहां के लोकल प्रशासन ने बहुत ही एक इनसेंसिटिव काम किया, बहुत ही असंवेदनशील काम किया, कि घायलों को और जो मृत हो गए थे डेड बॉडीज को एक ही वाहन में रख के भेज दिया, जिसके यूपी सरकार का बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को भी समन किया है कि आपने क्या एक्शन लिया है, इसको आप 4 सप्ताह में हमें बताइए। ये देखिए, एयरलाइन मैक्स आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से, रिस्ट्रिक्टेड वे में जो एयरलाइंस हैं उनको 25 मई से रिज्यूम कर दिया है। 25 मई से एयरलाइंस हैं जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं इनको स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही कम संख्या में किया है और बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से किया है। जैसे कि जो एयरलाइंस की जितनी क्षमता है वाहन चलाने की, जो एयरलाइंस कंपनीज हैं उसका 33% ही वाहन चलाएंगी, और जो वाहन मतलब कि हवाई वाहन, और उसमें भी जो चलाएंगी जो प्लेन होगा उसकी जो क्षमता है वो 33% ही रहेगी। मतलब कि जो क्षमता है उसका भी सरकार ने 1/6 लगभग 16% ही रिज्यूम किया है। तो इसमें कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी है, आरोग्य, और इसके साथ साथ बहुत सारे गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो कि हवाई जहाज जो चलाने वाली कंपनियां हैं इन कंपनियों को बहुत सारी गाइडलाइंस सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई हैं। जैसे कि लोगों के पास जो यात्रा कर रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, और एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या करेगा, तो वहां पे एयरपोर्ट भी एक इसका काउंटर होगा चेकिंग का, वहां पर जाके कोई व्यक्ति अपनी सारी जांच को करवा सकेगा। बहुत तरीके से जांच करने की व्यवस्था सरकार ने की है। तो आरोग्य सेतु अगर किसी ने अपने मोबाइल में नहीं डाउनलोड किया है, तो वहां पे एयरपोर्ट पे ही उसकी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की व्यवस्था की गई है, वहां पे जाकर प्री इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, इसके बाद ही आगे अनुमति दी जाएगी। तो सारी कुछ गाइडलाइंस जो हैं
वो जारी कर दी गई है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरीके से तरफ से। एक है वीजा ट्रेवल कर्व्स रिलैक्स्ड फॉर द लिमिटेड कैटेगरी ऑफ ओसीआईज, जो हमारे देश में नागरिक नहीं रहते, हमारे देश के पर सिटीजन नागरिकों के अलावा एक दो दर्जे होते हैं, एक होता है पीआईओस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक होता है ओसीआईज ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये लोग कहीं ना कहीं इनकी जो जड़ें हैं भारत से जुड़ी हुई होती हैं, और ओसीआईज कार्ड होल्डर जिनको दे दिया जाता है वो किसी भी समय भारत में यात्रा कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग वीजा इनको मिलता है। इसके साथ इनको और भी छूटें होती हैं, जैसे कि ये भारत में अगर रहेंगे तो इनको जो FRRO होता है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उनके पास इनको जो एक टाइम लिमिट होती है उसमें इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है, इनको जानकारी नहीं देनी होती है। ऐसे कोई व्यक्ति भारत आता है तो वो जो एक निश्चित समय के बाद उसको FRRO में अपनी जानकारी दर्ज करानी होती है कि वो भारत में कहाँ पर है, कितने समय से है, तो इनको ये छूट मिलती है। ये OCI कार्ड होल्डर का प्रोविजन 2005 में जोड़ा गया था, और इसमें जो NRIs की तरह इनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे फाइनेंशियल आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता, एजुकेशन के फील्ड में इनको शिक्षा ग्रहण करने मौका दिया जाता है, केवल इनको राजनीति में भाग लेना, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हैं, इस तरह के OCI होल्डर्स काम नहीं कर सकते हैं। तो 17 मई को भारत सरकार ने, जो कि भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान शुरू किया है, वंदे भारत अभियान में भारत विदेश में जो फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं इनको वापस लेकर आ रही है। तो अभी सरकार ने 17 मई को गाइडलाइन जारी किया था होम मिनिस्ट्री ने, और जो OCI कार्ड होल्डर थे उनको मना कर दिया था कि अभी उनको नहीं लाया जाएगा, लेकिन इसको लेकर काफी नाराजगी जताई थी OCI ने, काफी नाराजगी नहीं हताशा जताई थी। इसके बाद से अब उनको जो वीजा को, जो उनके ट्रेवल को लेकर जो वीजा पे प्रतिबंध लगाए गए थे उनको रिलैक्स कर दिया गया है। अब OCI काफी सिलेक्टेड तरीके से, एक बहुत ही सिलेक्टिवली अप्रोच से भारत की यात्रा कर सकेंगे। और आगे ये है कि जो ऑक्सफोर्ड ट्रायल से है COVID-19 को लेकर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो ट्रायल चल रहा है इसकी 80% तक संभावना है कि यह ट्रायल सक्सेस हो जाएगा। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत की सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो बड़े स्तर पर अपना सहयोग दे रही है, इसमें स्टेक होल्डर है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज डिस्कशन, जो इम्पोर्टेंट न्यूज थी वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की। 23 मई का ये था डिस्कशन, तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।